Hello friends, I am Madhu Chauhan and I welcome you on my channel Learn English with Madhu. And we are learning every day what common English idioms and phrases. And ये idioms कुछ आपके exam point of view से और कुछ हमारे daily use में आपको daily newspaper में देखने को मिल जाएंगे. So this can be important for your exams as well as for daily conversational skills. Spoken English. So let's learn. First one is rude for somebody. What is rude for somebody means? ये होता है किसी को support करना, encourage करना, especially किसी competition में ये कैसे use होता है? Continuous form में use होता है, progressive form में. या फिर difficult situation में किसी को support करना. इसका एग्जांपल देखते हैं. बिडन हैरिस रूट फॉर इंडिया. बिडन और हैरिस इंडिया के लिए सपोर्ट कर रहे हैं. तो किस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं? ये इंडिया की टेररिज्म से लड़ने वाली पॉलिसीज के लिए. सेकंड इसका एग्जांपल, जैसे कि मैंने कहा ये कंटिन्यूस फॉर्म में ज़्यादा यूज होता है, तो हम सेकेंड एग्जाम्पल भी देखेंगे. गुड लक, आई एम रूटिंग फॉर यू. आप किसी को सपोर्ट करने के लिए रूटिंग फॉर का यूज करते हैं. Secondly, we have taken reach out to somebody. What is reach out to somebody? किसी के बाहर पहुंचना. अगर देखा जाए इसका literal meaning, तो literal meaning नहीं, phrasal में metaphorical meaning निकल कर आता है. तो इसका meaning है to show somebody that you want to help them. किसी को ये show करना कि आप उसमें interested हैं, उसकी help करने में interested हैं, वो होता है reach out to somebody. यहाँ पर भी हमने जो बिडन, जो कि अमेरिकन डेमोक्रेटिक नॉमिनी है और उनकी जो मेट है, रनिंग मेट कमला हैरिस, उनका ही एग्जांपल लिया है आज के न्यूज़पेपर में से. बिडन एंड हैरिस रीच्ड आउट टू इंडिया विद जीरो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म. टेररिज्म के लिए जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है बिडन की, उसकी बात करते हुए बिडन और हैरिस ने इंडिया को सपोर्ट करने की बात कही है, इंडिया को हेल्प करने की बात कही है. सो दे रीच्ड आउट फॉर टू इंडिया. थर्ड वन इज सिल्वर लाइनिंग. आई होप आपने ये सुना होगा, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग बिहाइंड इट. मींस हर प्रॉब्लम के पीछे एक कुछ अच्छा छुपा होता है. हर परेशानी के बाद में कुछ अच्छा आता है. मींस पॉजिटिविटी की बात करती है सिल्वर लाइनिंग. तो पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, आशावाद की बात करती है सिल्वर लाइनिंग. इसलिए यहाँ पर सिल्वर लाइनिंग यूज हुआ है इस एग्जाम्पल में. देखिए ये भी न्यूज़ पेपर में से लिया हुआ एग्जाम्पल है. व्हाट अपीयर्स टू बी अ सिल्वर लाइनिंग इन द कोविड 19 नंबर्स, द ग्रोथ रेट ऑफ बोथ न्यू केसेज एंड डेथ हैज स्लोड इन द पास्ट वीक. देखिए कोविड 19 नंबर्स में की संख्या में जो ग्रोथ रेट है ये डिक्रीज हुई है, और डेथ जो है ये स्लो हुई है. दोनों ही डिक्रीज हुए नंबर में, इसलिए ये क्या है, सिल्वर लाइनिंग है. ये एक ऑप्टिमिज्म है, एक आशा दिख रही है कि कोविड 19 ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है अब. सो दिस इज सिल्वर लाइनिंग मीन्स इंडिकेटर ऑफ ऑप्टिमिज्म. Fourth is between the devil and deep blue sea. ये क्या होता है, इधर कुआ उधर खाई. इट मीन्स दोनों तरफ ही आपके पास दो चॉइसेस हैं, लेकिन दोनों ही ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको डाल रही हैं जहाँ आपको एक चूज़ करना कंपल्सरी, आप फंसे हुए हैं लेकिन आपको चूज़ करना पड़ेगा. तो वो होता है, वहाँ आप यूज़ करते हैं बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी. टू बी बिटवीन द टू इक्वली डिफिकल्ट सिचुएशन, आपका दो इक्वली डिफिकल्ट सिचुएशन के बीच में होना होता है. बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी. लेट्स सी इट्स एग्जांपल. ट्राइंग टू प्लीज बोथ हिज बॉस एंड वाइफ पुट्स हिम बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी. अपने बॉस को भी प्लीज करना, वाइफ को भी प्लीज करना, दोनों चीज़ें क्या हो जाती हैं, एक तरफ हुआ तो दूसरी तरफ खाई. क्यों? क्योंकि वाइफ वॉन्ट्स मोर टाइम so they can go out and boss wants your more time for work. so दोनों को ही please नहीं कर सकते एक साथ. तो ये क्या है,
between the devil and deep blue sea. You can also use it in your daily life. Fifth is bully of the first water. ये bully of the first water क्या होता है? ये होता है एक नंबर का बदमाश, जैसे कह सकते हैं छठा हुआ बदमाश. A very disgusting person. ऐसे person को कौन पसंद करता है? So example है इसका, he beat a police inspector. उसने एक police inspector को पीटा. He is really a bully of first water. वो सच में एक छटा हुआ बदमाश है. So friends, these are five idioms and phrases which are common so that we can learn and use them in our daily lives. I hope you are getting and learning with me every day. If you are learning, you are enriching your vocabulary. That will be very useful for you for your exams and for spoken English too. Thank you friends, keep watching my channel.